बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम पहली टर्म एंड लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। ये है एक्स स्क्वायर और ये है माइनस टू, तो ये बन जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर। पहली टर्म एंड लास्ट वाली टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया माइनस टू एक्स स्क्वायर। इसके बाद ये जो माइनस एक्स है, इसके हमने ऐसे दो पेयर बनाने हैं, अगर हम उनको ऐड करें तो माइनस एक्स आए, अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर आ जाए। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जो माइनस टू एक्स प्लस एक्स है, अगर हम इनको ऐड करें तो ये आ जाएगा माइनस एक्स, अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर। तो ये हमने इसके पेयर बना लिए। अब इन दो टर्म में से एंड इन दो टर्म में से अलहदा अलहदा हम कॉमन लेंगे। इनमें से कॉमन आएगा एक्स, बाकी बच जाएगा एक्स माइनस टू। यहाँ से आएगा कॉमन प्लस का वन, बाकी बच जाएगा एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आ गया। अब यहाँ भी एक्स माइनस टू है एंड यहाँ भी एक्स माइनस टू है, एक्स माइनस टू फिर कॉमन आ गया। यहाँ बच गया एक्स, यहाँ प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आ गया। एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। इन दो टर्म को हमने अलहदा अलहदा ज़ीरो के बराबर कर लिया। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई टू एंड यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन। तो ये हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसका सोलूशन सेट लिखते हैं। पहले माइनस वन को लिख लेते हैं, उसके बाद टू को। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का आंसर आ गया।